नैनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 बालाघाट सड़क मार्ग पर कनौजिया टोला में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नवयुवक ने चार लोगों के ऊपर चाकू से प्राण घातक हमला किया। चाकूबाजी में चार लोगों के हाथ पैर पेट में चाकू लगे हैं। इस घटना के बाद उस टोला में रहने वाले लगभग 150 से 200 लोगों ने थाने का घेराव किया। वहां थाने में इस घटना को लेकर पुलिस ने तत्काल कड़े कदम उठाए और वहां पर लोगों को समझाया गया। चाकूबाजी करने वाला युवक जो इस कनौजिया टोला में ही रहता है, ये स्थान सिविल अस्पताल नैनपुर से जुड़ा हुआ है। घायल व्यक्तियों में एक 13 साल का बालक भी शामिल है जिसे हाथ में चाकू लगा है, जिसमें सुभाष यादव, रवि यादव, शारदा यादव और महज अनुराग यादव 13 साल का बताया गया है। घटना को लेकर उस क्षेत्र में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि पूर्व में भी इस क्षेत्र में एक हत्या हो चुकी है। आपको बता दें कि खेत में हार्वेस्टर चलाने को लेकर यह विवाद हुआ है। घटना के बाद घायलों को नैनपुर सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर सुभाष यादव और रवि यादव को मंडला जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां से सुभाष यादव को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण जनों ने आरोपी के घर और अंदर रखे हुए मोटरसाइकिल एवं अन्य सामानों को तोड़फोड़ किया है और वहीं घटना के बाद आरोपी युवक खुद थाने पहुंच गया। पुलिस ने मामले को देखते हुए घटना की जांच करते हुए आरोपी के ऊपर पुलिस ने कार्यवाही की बात कही है। नैनपुर से अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। भाई को धान कटाई की है, धान कटाई के कारण उसने थोड़ा चाकू से बात किया, चार चार किसने मारा? हार्वेस्टर से काटने नहीं दे रहा था, कुछ खुद के निजी जमीन में हार्वेस्टर नहीं जाने दे रहा था। अच्छा, तो उसने गुंडा लगाया तो चार बोल रहा था कि तुम मेरे पीछे पड़े हो तो मैं तुमको मर्डर करूंगा, तभी छोड़ूंगा। तो चार लोगों को मारा? चार लोगों को। यादव? हाँ। रवि यादव? हाँ। यादव पति को खेत में बुलाए हार्वेस्टर धान कटवाने के लिए, हार्वेस्टर आगे करके और छोरा चक्कू मारा है आशीष तिवारी ने सुभाष यादव को, शारदा यादव को और अनुराग और रवि यादव। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद में हाथापाई होने के बाद हॉस्पिटल ले गया। अच्छा, अभी क्या स्थिति आपके पति और आपके परिवार के लोगों की? अभी हॉस्पिटल में गंभीर हालत है, जबलपुर के लिए रेफर हुए। आप इतनी सारी महिलाएं वार्ड नंबर 14 की एकत्रित हुई है, क्या कारण है? आप लोग नैनपुर थाने आए, क्या मांग करते हैं आप लोग? हम उसको बाहर निकाल दो, हम भी उसको मारेंगे।